Hi guys, I'm Shivam Gupta, owner and founder of Moxon MBA Preparation. So guys, we are going to start the CAT 2022 preparation series on our YouTube channel. So guys, in this series, we are going to discuss past papers of CAT. So guys, CAT 2022 का quants के solved questions discuss करने वाले हम लोग की first series है आज, ठीक है? उसमें slot 2 के जो questions थे, उसमें से 5 questions मैंने select किए हैं, वो हम लोग discuss करने वाले हैं. और ये series regularly चलेगी. हफ्ते में एटलीस्ट एक वीडियो आएगा ही, एक से ज्यादा भी आ सकता है, ठीक है? एंड दिस इज नॉट ओनली लिमिटेड टू क्वांट्स, क्वांट्स का हम लोग एलआरडीआई भी करेंगे, ठीक है? बट हमारा टारगेट ये है कि क्वांट्स के या एलआरडीआई के जो भी है, सबके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो जाए यूट्यूब चैनल पे, ठीक है? तो दोज़ हु आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, आपका काफी हेल्प होगा. अपार्ट फ्रॉम दैट, बाकी नॉन कैट एग्जाम्स के लिए तो वीडियो बनते ही है, ठीक है? एंड लाइक एंड सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करना गाइस, बिकॉज काफी लोग हैं जो सेल्फ स्टडी करते हैं, उनकी हेल्प हो जाएगी लाइक करने से, वीडियो ऊपर आ जाता है. चलो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं. गाइस पहला क्वेश्चन क्या है? अब ऐसे क्वेश्चन कैट में बहुत ज्यादा फेमस है. एक्स जीरो इज इक्वल टू वन, एक्स वन इज इक्वल टू, एक्स एन प्लस टू आपको दिया गया, वन प्लस एक्स एन प्लस वन अपॉन एक्स एन, मतलब एक रिलेशन दे दिया गया है जिससे आप सीरीज निकाल सकते हैं. एन यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है जीरो से लेकर, जीरो वन टू से लेकर थ्री, ऐसे मतलब जा सकता है आगे तक, ठीक है? हमें निकालनी वैल्यू एक्स 2021 की. तो गाइस कभी भी ऐसे क्वेश्चन देखो ना, आपको 99% क्या 99% से ज्यादा केस में आपको एक पैटर्न दिखेगा जो रिपीट होता है. तो आपको इनिशियल कुछ वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी, जैसे एक्स जीरो एक्स वन दिया आपको, एक्स टू निकालो. एक्स टू के लिए एन को क्या रखना पड़ेगा, एन को रखना पड़ेगा आपको जीरो. एक्स टू स्क्वायर हो जाएगा वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स जीरो, इसके लिए निकालो क्या आई, वन प्लस एक्स वन मतलब क्या, वन प्लस टू अपॉन एक्स जीरो वन, ये आपका आ गया थ्री. एक्स टू मेरा थ्री आ गया. अब देखो हो क्या रहा है, एक्स टू के लिए आप क्या लिख रहे हो, एक्स टू के लिए आप वन प्लस एक्स वन अपॉन एक्स जीरो, मतलब ये टू ये वन ये जीरो, तो बार बार आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है. अब आपको एक्स थ्री निकालना, तो कैसे लिखोगे आप, वन प्लस एक्स टू अपॉन एक्स वन, ये थ्री था उससे कम टू उसके बाद वन. तो आपको हमेशा देखना नहीं है, ये टाइम वेस्ट होगा उसको देखना, सीधे लिखो क्या आएगा. एक्स टू क्या था मेरा, थ्री आया था अपॉन एक्स वन क्या है मेरा, एक्स वन मेरा है टू, तो ये मेरा टू आ गया. एक्स थ्री मेरा आ गया टू, ठीक है? अब एक्स फोर निकालने जरा, एक्स फोर क्या आएगा, वन प्लस एक्स थ्री अपॉन एक्स टू, वन प्लस एक्स थ्री, वन प्लस टू अपॉन एक्स टू. एक्स टू क्या आएगा, एक्स टू क्या था मेरा, थ्री का, तो ये अगेन वन हो गया, ठीक है? तो बेसिकली थोड़ा देखते हैं सीरीज कैसी बन रही है. एक्स जीरो वन था मेरा, फिर एक्स वन टू था, फिर एक्स टू मेरा थ्री था, फिर एक्स थ्री मेरा क्या था, टू था, फिर एक्स फोर मेरा वन था. तो वन टू थ्री टू वन, ये पैलिंड्रोम टाइप का लग रहा है ना. बट अब एक्स फाइव से समझ में आएगा क्या हो रहा है. एक्स फाइव देखते क्या हुआ, एक्स फाइव हमारा है वन प्लस एक्स फोर अपॉन एक्स थ्री, वन प्लस वन अपॉन एक्स थ्री, एक्स थ्री मेरा क्या था, टू था, तो वन आ गया. तो क्या देखो यहां समझ में आ रहा है कि वन टू थ्री टू वन, फिर अगेन आपकी सीरीज ऐसे आएगी वन टू थ्री टू वन. तो आप चाहो तो एक टर्म और निकाल के देख लो, अगर ये टू आ गया तब तो पक्का ये सीरीज ऐसे रिपीट होगी, वन टू थ्री टू वन, वन टू थ्री टू वन, साइक्लिसिटी बढ़ रही है. और जनरली ऐसा ही होता है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और कैट में ऐसे क्वेश्चन आ भी सकते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे यही सीरीज बन रही है, ठीक है? अगर आप जल्दी से एक्स एक्स निकालोगे, वन प्लस एक्स फाइव वन अपॉन एक्स फोर वन, तो मेरा टू आ गया. बस साफ साफ दिख रहा है आपको कि वन टू थ्री टू वन, वन टू. अब गाइस ये 5-5 से रिपीटेशन हो रहा है, बट स्टार्टिंग हमारी x0 से हो रही है. हमें निकालना है x2021, ठीक है? x2021 मतलब क्या, x0 से अगर काउंट करेंगे तो हमारा कितने टर्म्स हैं, 2022 टर्म्स होंगे ना, क्योंकि 1 से स्टार्ट, 1 से लेकर 2021 तक 2021 टर्म्स हैं, बट हमें स्टार्ट किया 0 से. तो हमको बेसिकली 2022 टर्म निकालना है इस सीरीज के अकॉर्डिंग. और गाइस आपको बताया कि ये 5-5 पे रिपीट हो रहा है, अगर ये 5-5 पे रिपीट हो रहा है तो क्या करोगे आप बस निकालोगे रिमाइंडर. कैसे मान लो अगर आपको सेवन टर्म निकालना हो, सेवन टर्म मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब क्या करते हो, सेवन बाई फाइव करोगे तो आ जाएगा टू रिमाइंडर, तो इसका मतलब टू आपका आंसर आ गया, वन एंड टू. ऐसा ही आपको 2022 निकालना है तो क्या करोगे, 2022 बाई फाइव रिमाइंडर निकालो टू. हाँ रिमाइंडर क्यों निकालना है, इसलिए निकालना गया कि हर पांच के बाद हमको रिपीटेशन मिल रहा है, इसलिए निकालना है रिमाइंडर फाइव से हमको, ठीक है? वो मैंने सेवन वाला एग्जाम्पल दिया था कि सेवेंथ टर्म जो होगा वो सेम होगा, आपको दिख भी रहा है सेम है वो, ये फाइव यही है
तो आपको काउंट थोड़ी करना पड़ेगा, इतना काउंट कैसे कर लोगे आप? तो रिमाइंडर प्रोसेस अपनाते हैं इसमें, ठीक है, रिमाइंडर से ही होता है ये, क्योंकि हर बार रिपीटेशन हो रहा है हर फाइव में। तो जब इसको ऐड करोगे फाइव से तो रिमाइंडर टू आएगा, टू मतलब क्या, वन एंड टू, तो मेरा आंसर आ गया टू। बस तो ऐसे क्वेश्चन हमें रिमाइंडर्स में किए होंगे पहले भी, जो सीरीज होती है वन प्लस टू प्लस टू स्क्वायर प्लस टू क्यूब अपॉन समथिंग, तो उसमें भी यही फंडा लगता है। बट ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा टाइम टेकिंग भी है, बट याद रखना कि ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं आपको वेरिएबल वाले, 99 से ज्यादा परसेंट केस में आपको यही पैटर्न बनेगा, मतलब रिपीटेशन वाले पैटर्न से ही होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो आई गेस सब क्लियर हो गया होगा। ये क्या बोल रहा है, इफ द एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन का एरिया, मान लेते हैं साइड ऑफ द हेक्सागन आपका ऐसा होता है, अगर एक साइड इसकी एक्स है तो एरिया क्या होता है हेक्सागन का, एरिया होता है 3√3/2 x² एंड दिस इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 12। तो ये आप बराबर कर दो √3/4 × 12² के, रूट थ्री कट गया आपका, टू टू जा, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर क्या आ गया 12² / 6, इसको रूट करो जरा, ये आ गया 12/√6। 12/√6 को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ऊपर नीचे √6 से मल्टीप्लाई करो, ये नीचे 6 आ जाएगा खाली, 6 टू जा हो जाएगा, सीधे आपका आ गया 2√6, बस सीधे आपका 2√6 आ गया। साइड ऑफ हेक्सागन निकालनी थी आपकी आ गई, बस हमने ये किया। और गाइस हेक्सागन ने बताया आपको कि हेक्सागन कैसे बनता है, रेगुलर हेक्सागन 6 इक्विलेटरल एंगल से मिलकर बनता है, ठीक है, और एक इक्विलेटरल एंगल का एरिया होता है √3/4 × x², तो 6 का एरिया क्या हो जाएगा ये, तभी मेरा ये फॉर्मूला आता है। जनरली आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, बट किसी को याद अगर नहीं है तो कैसे निकाल सकते हो आप ऐसे निकाल सकते हो, एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल इनटू 6, तो आपको वही चीज मिलेगी 3√3 x². बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, किसी एंगल से ये कैट का क्वेश्चन नहीं होना चाहिए, बट है कैट में, गाइस हर क्वेश्चन टफ नहीं आता है, ठीक है, बस ढंग से अगर वैरायटी करोगे तो निकल जाएगा कैट आपसे, 99+ आना बहुत ईजी है क्वांट में अगर आप ढंग से पढ़ा सकते हो। ये क्वेश्चन ये बहुत ईजी है, एंड मैट वगैरह में आते हैं इस तरह क्वेश्चन। टू ट्रेन क्रॉस ईच अदर इन 14 सेकंड्स व्हेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन अलोंग ए पैरेलल ट्रैक्स, ठीक है। तो गाइस अपोजिट डायरेक्शन में तो क्या होगा, दो ट्रेन की लेंथ L1 L2 है, तो L1+L2/S1+S2 = 14 seconds. The faster train is 160 meter long and crosses a lamp post in 12 seconds. जो lamp post होता है ना, ये point object होता है, इसकी कोई length consider नहीं करते, तो इसके लिए equation क्या बन जाएगी, 160 upon S1, मान ले fast train की length speed S1 है, ये आ गया 12, उसको divide करो, S1 क्या आ जाएगा, 160/12, 40/3. If the speed of the other train is 6 km per hour less than the first one. अब सेकंड ट्रेन की स्पीड इससे 6 km/h लेस है, बट गाइस यहाँ पे एक चीज देखना आप, ये मीटर पर सेकंड में है और ये आपका किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में जब भी आप कन्वर्ट करना हो आप क्या करोगे, 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे। याद रखो गाइस, अगर आप किलोमीटर से मिनट पर मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो आप 5/18 करते हो, क्योंकि बड़ी यूनिट से छोटी में जा रहे हो, अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जाओगे तो आपको 18/5 करना पड़ेगा, ये बेसिकली आ गया आपका 5/3। तो इस तरह से 5/3 छोटा है, S2 क्या है, ऐसा है, या बोल सकते हो 35/3, बस। अब आपको दोनों स्पीड्स आ गई हैं, आपको यहाँ रख देना है, आपको दूसरे की लेंथ चाहिए, एक की लेंथ आपको दी गई थी, तो क्या हो जाएगा, 160+L2/1, इन दोनों को ऐड करो, 40+35, 75/3 = 40, ये कट जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 160+L2 = 14 × 25 क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 250+100 = 350, बस L2 क्या आ गया, L2 आ गया 350 - 160, यह आपका आ गया 190, बस। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है, ठीक है, बस क्लैरिटी होनी चाहिए आपको कि लैंप पोस्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, अगर प्लेटफॉर्म होता तो प्लेटफॉर्म की लंबी होती, और आपने पढ़ा हुआ कहीं ना कहीं कि अगर कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है पोल वगैरह तो उसको लेते नहीं उसकी लेंथ, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इजी है, थोड़ा सा भी किसी ने पढ़ रखा है ज्योमेट्री तो कर लेगा। सपोज द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए रेगुलर हेक्सागन ए बी सी डी ई एफ इज 2 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागन आपका ऐसा होता है,
ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ईच साइड अगर मान लो टू है, इफ टी इज द मिड पॉइंट ऑफ द सी डी, सी डी के मिड पॉइंट टी है मान लो, ये हमें निकालनी लेंथ ऑफ ए टी, हमें ए टी की लेंथ निकालनी है। अब गाइस ए टी की लेंथ आप कैसे निकाल सकते हो, ये ए टी निकालना है आपको, आप तुरंत ए डी ज्वाइन करो ए डी, ठीक है। गाइस ए डी की लेंथ क्या आएगी, ए डी की लेंथ होगी आपकी, ये आपका क्या होगा, ए डी आपका होगा बेसिकली 4 सेंटीमीटर का, बिकॉज ये ट्रायंगल से मिलके बनता है, ठीक है, ये सारे ट्रायंगल से मिलके बनता है। अगर मान लो सेंटर यहाँ पे है, इसको आप ज्वाइन करोगे ऐसे, ठीक है, मतलब ये ऐसे कर दो, ये ऐसे कर दो, तो आप देखोगे कि आपको सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल रहे हैं, ठीक है, आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के वो मिल रहे हैं, ठीक है। तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल से मिलके बनता है। फिर से फिगर बना देता हूँ, दिक्कत दे दो, डायगोनल में देखो, ये आप देखो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 1 2 3 4 5 6 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो गाइस ये साइड और ये साइड दोनों टू टू होगी ना, बिकॉज ये भी टू ये भी टू, तो ये एडी क्या हो गया, एडी हमारा 4 हो गया, एडी 4 है, डीटी क्या हो जाएगा, डीटी होगा 1, क्योंकि सीडी हमारा पूरा 2 है। और एक चीज और, हमें एडी पता है, हमें डीटी पता है, हमें निकालना है एटी, और हमको एक एंगल ही पता है, यह एंगल क्या होगा एडी और डीटी के बीच, क्योंकि पूरा एंगल गाइस 120 होता है, तो ये एंगल 60 होगा, वैसे भी हर एक इक्विलेटरल एंगल में 60 डिग्री एंगल होता है, तो बेसिकली हमको एडी और डीटी का लेंथ पता है और इसके बीच एंगल पता है, तो हम क्या लगा देंगे, हम कोसाइन रूल लगा देंगे, कॉस 60 स्क्वायर 2 आ जाएगा, एडी स्क्वायर 4 स्क्वायर डीटी स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस एटी स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 1, कॉस 60 क्या होता है 1/2 होता है, यह आ जाएगा 17 अपॉन 8, इवेंस 4 स्क्वायर टू आ जाएगा 17 माइनस 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर टू क्या आ जाएगा √30, बस मेरा आंसर आ गया √30। तो बस आपको तुरंत सब कुछ पता होना चाहिए, थोड़ा सा क्लिक करेगा तब जब आपने प्रैक्टिस करी होगी, और कोसाइन रूल याद नहीं तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो भाई ये कि आपको हर चीज टेप ऑफ द टंग होनी चाहिए, वो प्रैक्टिस ज्योमेट्री तो गाइस प्रैक्टिस करके ही आएगी। ज्योमेट्री करने का सबसे तरीका क्या है कि आपने अगर पूरा सब कुछ पढ़ लिया है, एक कॉपी लेके बैठे हो और जितनी प्रॉपर्टी आपको जितने फॉर्मूले आते हैं सब अपने आप लिखो, तभी आपको याद रहेगी ज्योमेट्री, क्योंकि उस टाइम पे क्लिक कितना कर पा रहा मैटर करता है, ठीक है। ये हो गया, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बट हाँ कैट में आ सकता है, क्वेश्चन कैट लेवल का है थोड़ा, क्योंकि हर किसी को क्लिक नहीं होगा। ये क्वेश्चन देखते हैं, 5 माइनस लॉग √1 प्लस एक्स टू द बेस 10 प्लस 4 टाइम्स ना इक्वल टू लॉग ऑफ 10 1 अपॉन ना, हमें 100 एक्स स्क्वायर ही चाहिए। इसको जरा आप ऐसे ले सकते हो, 5 इक्वल टू लॉग 10 बेस 1 प्लस एक्स माइनस 4 को ऊपर भेज दो ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग 10 बेस, अब √1 माइनस एक्स स्क्वायर 4 होगा, तो क्या होगा, ये अगर स्क्वायर करते तो 1 माइनस एक्स होगा, बट 4 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका 1 बाई समथिंग है, 1 अगर हटाना में ऐसे तो क्या ले सकते हैं इसको, इसको हम ले सकते हैं माइनस लॉग ऑफ √1 माइनस स्क्वायर, तो इसको कैसे ले सकते हैं, माइनस लॉग 10 बेस पे ऐसे ले सकते हैं, ठीक है। अब इसको एक काम करो, ये ऐसे लिखा दो, 5 इक्वल टू ये माइनस कॉमन ले लो जरा, ये लॉग 10 बेस पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ऐसा, इसको ऐसे लिख दो जरा, अब इसको जरा आप सॉल्व कर दो, इसको जरा आप सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे लिख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, अब 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका अगर ओपन करोगे इसको फिर क्या होगा, √1 माइनस एक्स इंटू √1 प्लस एक्स, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, ये क्या देगा आपको, 1 माइनस एक्स की पावर 2 प्लस 1/2 इज 5/2 इंटू √1 माइनस एक्स ऐसा। अब गाइस ये आपका क्या है, लॉग एम माइनस लॉग एन, ठीक है, ये प्लस है बीच में, ठीक है, ये प्लस है। अब लॉग एम माइनस लॉग एन क्या होता है, लॉग एम बाई एन।
अब दिस बाई दिस करोगे आप तो आपका वन प्लस एक्स ये कट जाएगा, क्या बचेगा वन अपॉन वन माइनस एक्स की बार फाइव बाई टू, ये सब फाइव है भी, ठीक है। अब गाइस इसको आप ऐसे ले सकते हो, आपके पास इतना बचा खाली, अब ये टेन को उधर भेज दो आप, ठीक है, हो जाएगा टेन टू आर फाइव इक्वल टू वन अपॉन वन माइनस एक्स की पावर फाइव बाई टू। इसको जरा इसको ऐसे लिखते हैं, वन माइनस एक्स की पावर फाइव बाई टू इक्वल टू वन अपॉन टेन की पावर फाइव, ऐसे ले सकते हो इसको आप। और फर्दर वन माइनस एक्स की पावर फाइव बाई टू को आप कैसे ले सकते हो, वन माइनस एक्स की पावर वन बाई टू का होल फाइव इक्वल टू वन बाई टेन की पावर फाइव, ये फाइव फाइव कट गए, आपके पास बचा क्या, आगे पास ये बचा अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स इक्वल टू वन बाई टेन, ये बचा आपके पास। अब इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर लो, वन माइनस एक्स बचा आपका वन बाई हंड्रेड, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स वहां जाएगा ये वहां जाएगा, एक्स हो जाएगा नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड। एक्स अगर नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड है, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछेंगे हंड्रेड एक्स की वैल्यू, हंड्रेड इंटू नाइनटी नाइन बाई हंड्रेड क्या आ जाएगा, नाइनटी नाइन आंसर आ जाएगा बस। तो अच्छा क्वेश्चन था, काफी लोग एग्जाम के बाद नहीं कर पा रहे थे, काफी लोगों ने मुझे भेजा भी, बट उनको क्वेश्चन ही याद नहीं था, कल क्वेश्चन भेज दिए थे उन्होंने, ठीक है। जब मैंने ऑफिशियल क्वेश्चन पर देखा था समझ आया कि क्वेश्चन ये है, तो क्वेश्चन देखो लेंदी है बट लग कुछ नया नहीं रहा, बट ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे टाइमर चलेगा तो आप पैनिक हो जाओगे, तो ऐसे क्वेश्चन को पहली बार में छोड़ो, क्योंकि काम बहुत करना पड़ेगा, पहला क्वेश्चन लेके बैठ गए पूरा पेपर खराब हो जाएगा आपका, तो ऐसे क्वेश्चन को राउंड टू में करो बेटर है, ठीक है गाइस। तो ये पांच क्वेश्चन थे, पांच पांच क्वेश्चन करेंगे, ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे हम लोग, ताकि आप अच्छे समझो, फिर पांचों क्वेश्चन खुद लगाओ अपने आप तो अच्छा रहेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की अगले साल की या नॉन कैट या कैट दोनों की, वी हैव टू कोर्सेस, अभी तक हम लोग सीमेट में लगे हुए थे क्योंकि सीमेट डिले था, अब हम लोगों ने मेनली फोकस कर दिया कैट में अपना, तो हम लोग कैट के दो क्लास है, कंप्लीट कैट कोर्स है, सारी फैकल्टीज काफी एक्सपीरियंस है, चाहे जो भी सेक्शन की हो, क्वांट सलाडी या बीआरसी, पूरा लाइव जूम क्लास में हर चीज होती है। हम लोगों को पढ़ाने का तरीका यही है कि हम लोग कोई भी वैरायटी छोड़ते नहीं, सारे पास पेपर डिस्कशन वगैरह सब कुछ करते हैं, तो कैट कोर्स में आपको सब कुछ कैट का मिलेगा, क्वांट एलआरडी या बीआरसी, प्रैक्टिस शीट, थ्योरी हैंड आउट, लाइव क्लासेस, 550 टॉपिक टेस्ट, ठीक है, हर चीज। इसकी प्राइस है 12,500, कैट के मॉक्स भी लाएंगे। और कंप्लीट एमबीए कोर्स जो है गाइस वो एक बहुत ही इकोनॉमिकल कोर्स है, बिकॉज इट इज अ काइंड ऑफ ए पास, एक बार आपने ले लिया तो अभी से लेकर अगले साल तक जितने भी आपको कोर्सेज हैं एग्जाम्स हैं सबका सब कुछ मिलेगा, सबका टेस्ट सीरीज, सबका मॉक्स, जीडीपीआई, मतलब और कुछ और पैसा लगाना ही नहीं, उसकी प्राइस है 22,000, बहुत ही इकोनॉमिकल है, क्योंकि वाकई हम लोग इतनी ज्यादा क्लास है, हम लोग चाहते हैं क्लास में सब कुछ हो जाए, और एमबीए कोर्स में आपके पास अच्छे ऑप्शंस क्या हैं कि आपको हार्ड कॉपी मिल रही है, और अगर आपको लगता है कि 22,000 आपको एक बार में दिक्कत है, यू कैन पे इन टू पार्ट्स, पहले 12,500 पे कर सकते हो, उसके एक महीने बाद यू कैन पे रिमेनिंग अमाउंट। बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग कोर्स है, अगर आपने रिव्यूज एंड रिजल्ट देखे ही होंगे, अगर ढंग से करोगे तो मैं लिख के दे सकता हूँ टॉप 25 से कॉल ना, ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप पढ़ने वाले। ये हम लोग की हार्ड कॉपी बुक्स हैं, ये डिलीवरी के टाइम पे जब डिलीवर हुई थी तो स्टूडेंट ने भेज दी इमेज, वही मैंने शो करी आपको, ठीक है। जनरल अवेयरनेस, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, सबकी प्रॉपर बुक है, तो हार्ड कॉपी बुक से पढ़ने में अच्छा रहता है। हार्ड कॉपी हम लोग फुल कोर्स के साथ देते हैं, एमबीए कोर्स के साथ, ठीक है। बाकी ये रिव्यूज देख सकते हो आप लोग खुद ही, ठीक है, आपको अपना आइडिया लग जाएगा। सो गाइस दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय। अगर आपको इंक्वायर करना हो देन यू कैन व्हाट्सएप मी एट दिस नंबर, मैं आपको डिटेल्स और ऑडियो वगैरह से भेज दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा कोर्स के बारे में। अगर यू आर लुकिंग फॉर सीईटी कोर्स या और कोर्सेस के बारे में, देन आल्सो यू कैन पिंग मी, ठीक है। चलो गाइस ऑल द बेस्ट, बाय बाय।